हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथ बस्टर्स को कंफर्म या बस करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ यह है कि घोष बाइक और घोड़े पर एक साथ बैठो, बाइक से उतरो, बाइक के पास जाओ, फिर देखो मैजिक। तो घोड़े को स्पॉन करते हैं पहले, फिर घोष राइडर बाइक को करते हैं, लेकिन घोड़ा मर तो नहीं जाएगा ना बाइक से? नहीं, चलो आग नहीं लगी। और हम जाते हैं, दोनों का ग्लिच लगाते हैं, तो इनविजिबल ग्लिच हमारा लग जाएगा। अब हमें इसके ऊपर से उतरना है, और उतरने के बाद फिर घोड़े के पास तो जा नहीं सकते, वो दूर चल जाएगा, बाइक के पास आना है। और क्या है मैजिक? मैजिक ये है कि घोड़ा कहाँ है? अबे घोड़ा गायब हो गया क्या? यही था मैजिक, कहाँ चला गया ये? अभी तो यही घूम रहा था, लगता है दूसरा घोड़ा स्पॉन करना पड़ेगा मुझे। मैजिक कुछ खास समझ आया है नहीं, इसलिए फिर से करते। अरे घोड़ा यहाँ पे, भाई इधर कैसे आ गया? घूम के आ गया था क्या? चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे मेरा ग्लिच अभी लगा कि नहीं? इन दोनों के बीच में वो भाई लंबा ही टेलीपोर्ट मार रहा है, ये कहाँ मार गया? अरे ये तो पीछे आ गया यार, मोहल्ले के पीछे आ गया, बहुत लंबा टेलीपोर्ट मार दिया इस बार दो। तो ठीक है, इसको मैं मैजिक मान सकता हूँ, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हम कोई भी चैलेंज लें और रिस्पॉन ट्रिक करें तो हम हाउस में नहीं, जहाँ चैलेंज स्टार्ट करा है वहीं स्पॉन होंगे। तो हम लोग गाइस पहले लगाते हैं फन ट्रैक वाला चैलेंज और वहीं से हम लोग रिस्पॉन ट्रिक करेंगे। ये देखो, ये फन ट्रैक वाला चैलेंज हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर रिस्पॉन ट्रिक करने के लिए हमें बैक ट्रायंगल को 3-4 बार दबाना पड़ेगा, और ये रिस्पॉन हुआ लेकिन देखो घर पे नहीं हुआ है, मुझे लगा था लेकिन यहीं पे हुआ है चैलेंज पे। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम लोग किसी भी बाइक पर बैठ के हेलमेट लगा के फिर रोल्स रॉयस कार में बैठेंगे तो बंदा हेलमेट नहीं उतारेगा। तो पहले मैंने हेलमेट लगा लिया, लेकिन पहले हम लोग दूसरी कार में चेक कर लेते क्या दूसरी कार में भी ऐसा होता है, तो फिर ये मिथ तो वैसे ही डिफॉल्ट हो जाएगा। तो हम अंदर जाते हैं और अंदर जाने से पहले ही बंदे ने हेलमेट उतार दिया यार, अब पहले से स्पॉन करके रखेंगे इसको। ये लगाया इसने हेलमेट, पहना हमने, जल्दी से जाके बैठना है यहाँ पे, जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल, खड़े मत रहे, जल्दी बैठ, उतारना मत उतारना मत। ये बैठ गए, ठीक है। तो हेलमेट इसने अभी तक तो नहीं उतारा है, हाँ नहीं उतार रहा है, चलो बढ़िया है फिर। ये मिथ तो सही है यार, मतलब रोल्स रॉयस में क्या ये सब? अरे यार ये ग्लिच लग गया क्या गलती से? ओके, इसलिए इसने हेलमेट नहीं उतारा। मैंने गलती से यार डबल ड्राइवर ग्लिच लगा दिया, इसलिए हेलमेट नहीं उतारा इसने। थोड़ा सा हमें लेट करना पड़ेगा, जल्दी में क्या ग्लिच लग जाता है। अभी ये क्या था, हेलमेट से ही टकरा के गिर गए? तो कोई नहीं, खड़े हो जाओ। ये पहना इसने हेलमेट, लग जान दो, ठीक है, अब ग्लिच नहीं होगा। चले और अंदर जाके जल्दी से बैठे और देखते हैं अब उतारता है कि नहीं। ये बैठ गए और इसने शायद उतार दिया, हाथ तो उठाया था, हाँ यार उतार दिया इसने, फेंक दिया कहीं, तो वो रहा, खिड़की पर टक गया हेलमेट। ये लो बाहर भी आ गया। अब रोल्स रॉयस से ही टेस्ट कर लेते हैं, क्या पता ये मिथ कन्फर्म्ड हो। ठीक है, पहन लिया हेलमेट, चलते हैं जल्दी से रोल्स रॉयस के अंदर बैठते हैं और अब देखते हैं। ठीक है भाई, तो इसने यहाँ भी उतार लिया, तो मतलब कि ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ यह है कि कोबरा बाइक का सिर्फ हैंडल घूमता है, टायर्स नहीं घूमते। तो ये है हमारी कोबरा बाइक, इसका चीट कोड है 4x4। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसका टायर, रुको टायर छोड़ो, पहले हैंडल देख लेते हैं। हैंडल तो घूम रहा है और टायर भी घूम तो रहा है, अलग ही दिख रहा है यार, तो घूम रहा है, मतलब अलग नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है देखना, लेकिन देखो अलग ही घूम रहा है, वो दिख तो रहा है। अभी मैं रोकूंगा ना तो आपको समझ में आएगा। ये देखो स्लो हुआ टायर और ये रुक गया, ठीक है, और ये देखो घूम रहा है, तो फिर ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि भाई मून ग्रेविटी का चीट लगाओ, स्पॉन हॉर्स 200 और उसके ऊपर फ्लाई करके फायर इंजन पर चढ़ सकते हैं। तो फायर इंजन पर हमने बहुत कोशिश करी लेकिन हम तो चढ़ नहीं पाए, देखते हैं क्या इससे हम लोग चढ़ पाते हैं क्या। तो आ चुका है हमारा हॉर्स, मून ग्रेविटी लग चुकी है, अब इसको जंप कराना है तो ये उड़ के ऊपर आ ही जाएगा। तो ये कूद, ठीक है ये कूदा और हाँ उड़ गया, और ये मैं इसके ऊपर लैंड कर गया। बहुत सी गाइस, तो यहाँ पे एक तो तरीका है इसके ऊपर चढ़ने का कि हॉर्स के ऊपर बैठ के हम इसके ऊपर चढ़ सकते हैं, आप देख सकते हो बहुत कूल। अब उतरते हैं और यहाँ पे फेंक दिया भाई, लंबाई फेंका, ये तो गया, पूरी हेल्थ नहीं गई। चलो शायद से इसके फ्रंट पार्ट पे हम लोग खड़े हो पाए, तो मैं थोड़ा यहाँ पे खड़े होकर देखता हूँ, ठीक है ना, ये रेड वाले पार्ट पे ये आए, खड़े हुए और खड़ा हो गया, नहीं फेंक दिया फिर से, और ये गया सीधे कल्याण जंक्शन पे, भाई मस्त मूवी का सीन हो गया। लेकिन ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि 20 निंजा ZX10R स्पॉन करनी है, लाइन से नाइट मोड करना है, सारी बाइक की लाइट ऑन करना है, फिर लाइट जो है वो इतनी दूर तक जाएगी कि जितनी दूर तक हम लोग देख सकते हैं उतनी दूर तक जाएगी, बस बीच में कोई घर नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा लंबा काम होने वाला है, इसलिए लंबा काम चलने दो, जब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब ठोक दो। चलते हैं अपन,
कोई तरीका है भीख मांगने का? ये हो गई हमारी 20वीं ZX10R स्पॉन गाइस, कितनी कूल लग रही है ना, एक लाइन से बिल्कुल शोरूम की तरह। अब हमें नाइट मोड लगाना है और सबकी लाइट ऑन करनी है, जो कि और थोड़ा मुश्किल काम है। लाइट ऑन करना मैं आपको बता दूं कि आपको बाइक पे बैठना है और लीव और लाइट का ऑप्शन एक साथ दबाना है, तो ऐसे लाइट चालू रहेगी चाहे उतर जाओ तो भी। अब बस सारी गाड़ियों के साथ यही करना है। तो यहाँ पे हो गई है हमारी लाइट ऑन। अब रात में तो ऐसा दिख रहा है कि लाइट है ना यहीं तक जा रही है सिर्फ, तो पता नहीं मुझे कि दिन में वर्क करेगा कि नहीं। तो करते हैं गाइस डे मोड, लैग बहुत खतरनाक हो रहा है लेकिन यार करना तो पड़ेगा। ये क्या डे मोड और हमारी लाइट ब्यूटीफुल, इतनी खतरनाक यार, वो देखो पहाड़ तक जा रही है और सामने तो पूरा सफेद हो गया है। अब चलते हैं गाइस लाइट एक्सप्लोर करने के, कितनी दूर तक हमारी फ्लैश लाइट जा रही है। भाई हमने हमारे गेम की बिगेस्ट फ्लैश लाइट बना दी है इधर यार, बहुत खतरनाक। देखो पहले यहाँ चलते, यहाँ पे तो पूरा सफेद हो गया, मैं ही नहीं दिख रहा हूँ। ये देखो पूरा वाइट हो गया हूँ मैं, बिल्कुल यार मैं दिख ही नहीं रहा हूँ, इतना खतरनाक। थोड़ा सा आगे गए तो मैं दिख रहा हूँ, लेकिन आप ज़मीन पे देख सकते हो कि पूरी लाइट जल रही है। अब आगे तक चलते हैं, मुझे लगता है पहाड़ पे ये रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो आगे ना पहाड़ है, यहाँ पे लाइट ख़त्म सी लग रही है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा दूर है यार, बहुत ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पर मैं दूर जाते जा रहा हूँ, लेकिन ये लाइट ख़त्म ही नहीं हो रही। पहाड़ के उस तरफ जाएंगे तो शायद हो जाए। यार मैं इतनी दूर आ गया हूँ और पहाड़ के इस तरफ भी आ गया हूँ, लेकिन लाइट जो है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रही। इसकी फ्लैश लाइट कहीं पे भी आप देख सकते हो, कहीं पे भी, वो आगे भी आप देखो पूरा वाइट हो रहा है यार। तो ये लाइट जो है ना ये ख़त्म नहीं होने वाली गाइस, ये हमारी बिगेस्ट फ्लैश लाइट बन चुकी है, जिसने हमारे पूरे वर्ल्ड को कवर कर लिया है आगे के। सामने भी आप देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, इतनी तेज़ लाइट चमक रही है इन 20ZX10R की। अब मैं आपको ऊपर से व्यू दिखाता हूँ यार, लेकिन ये सीन ना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, जहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ सफ़ेद कलर ही दिख रहा है। अब आप हेलीकॉप्टर से ऊपर का व्यू देखने का, इस ऊपर से हमें मालूम चलेगा कि कितनी खतरनाक दिख रही है लाइट। आप पेट्रोल पंप की साइड पे देखो तो आपको रोड नहीं दिखेगा, लोग चलते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, गाड़ी दिख रही है लेकिन रोड नहीं दिख रहा है, पीछे का तो पूरा ब्लैंक है, लेकिन आगे का भाई क्या ही फ्लैश लाइट है यार, क्या ही फ्लैश लाइट। देखो पूरा सफ़ेद हो रहा है यार, पूरी दुनिया सफ़ेद हो गई गाइस, इतना खतरनाक जलाया हमने। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम लोग बिग एयरप्लेन में स्टिकी बॉम्ब्स लगाएंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा। तो बाकी गाड़ियों में अगर हम लोग स्टिकी बॉम्ब लगाएं तो दरवाज़ा खुल जाता है, तो चलो इस पे भी चेक करते हैं। वैसे इसका दरवाज़ा कुछ खुलने टाइप लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है सिर्फ एक ड्रॉइंग बना दी गई है। तभी हम लोग मारते हैं स्टिकी बॉम्ब बहुत सारे और देखते हैं क्या खुलता है ये। वैसे अभी तक खुल जाना चाहिए था और ऐसे कोई टूटने फूटने की भी आवाज़ आ नहीं रही है। आगे पीछे हम लोग कहीं भी मार लेता हूँ, इसको एक्टिवेट करके देखूँ क्या। नहीं भाई RPG से मारने पे भी नहीं फटेगा ये, तो रुको यहाँ मार के देखते हैं। नहीं गाइस ये नहीं खुलेगा, ये फाइनल टेस्ट और नहीं खुला, तो ये मिथ बस्टर्ड है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट कर देना अपने अपने मिस ताकि हम उनको ले अगली वीडियो में। और अगर मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।